बच्चों ठीक हैं आप लोग? अच्छा, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। कल हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर में दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है। एक इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोगों ने पीरियड के करेक्टर पढ़े थे, और एक ये वाला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर, अच्छा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ऑर्बिटल पे खत्म होती है, सबसे आखिर में पी ऑर्बिटल आता है। अच्छा कुछ ऐसे एटम होते हैं मेरे बच्चों जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पे खत्म होती है, यानी उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, और कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ऑर्बिटल पे खत्म होती है। क्या मतलब? आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। तो इसी बेस पे एलिमेंट्स की टाइप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हैं वो भी चार हैं। एक को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पे खत्म होती है। क्या मतलब? आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, अच्छा पी ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। कहाँ जाता है? पी ऑर्बिटल में। क्या मतलब? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ऑर्बिटल पे खत्म होती है। बच्चों डी ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पे खत्म होती है। क्या मतलब? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ऑर्बिटल पे खत्म होती है। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। तो कितनी टाइप्स होगी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बच्चों चार टाइप। अच्छा अब जरा देखें एस ब्लॉक वाले एलिमेंट कौन से हैं। ये मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बनाया है, मैंने ग्रुप लिखे हैं। ये एक पहला ग्रुप कौन सा है? 1A। ये कौन सा है? 2A। फिर आगे बी शुरू हो जाते हैं, 3 ये बी है, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 दफा आ रहा है, 8B, 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 फिर 1B, 2B, फिर आगे शुरू हो जाता है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरे बच्चों अच्छा ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से एलिमेंट? 1A और 2A के जो एलिमेंट हैं यहां पर। अच्छा हाइड्रोजन ऊपर, सबसे ऊपर हाइड्रोजन होती है, लेकिन मेरे बच्चों हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक जो है ना वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, लिहाजा हम हाइड्रोजन को इसमें काउंट नहीं करते, यहां से काउंट करते हैं। यहां लिथियम आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 1A के एलिमेंट हो गए 6, और 6 2A के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। तो कितने एलिमेंट हो गए? 12 एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। समझ में आई है बात? कितने? 12 एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स हैं टोटल इसमें। अच्छा मेरे बच्चों, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। दूसरा करेक्टर मैं पढ़ा रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस क्या इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS1 NS2। समझ में आ रही है बात? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी NS1 NS2। यहां लिथियम है ना, लिथियम सेकंड पीरियड में आ रहा है तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2S1। यहां सोडियम है, उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3S1। यहां जो होगा पोटेशियम 4S1, रुबिडियम 5S1, सीजियम 6S1, फ्रांशियम 7S1। सेवेंथ पीरियड में आ रहा है, लेकिन हम अब सबके पीरियड के साथ 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉमनली क्या लिख देंगे, NS1। और इन सब की 2A वालों की क्या होगी, NS2। समझ में आ रही है बात? ये जो शुरू में जरा देखें, ये जो शुरू में नंबर होता है यहां पर, ये पीरियड को शो करता है, जहां पर मैंने एन लिखा है। ये जो एस या पी या डी या एफ आता है आखिर में, ये ब्लॉक को शो करता है। और ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है, वो ग्रुप को शो करता है। इसको मतलब अगर कोई ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम कहेंगे कि ग्रुप 1A है, ब्लॉक कौन सा है, एस है। और यहां पर अगर 1 लिखो तो पीरियड फर्स्ट है, अगर 3 लिखो तो पीरियड थर्ड है, अगर 6 है तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गई इनकी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे बच्चों एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं, ठीक है जी, और सारे के सारे मेटल हैं, सारे के सारे सॉलिड और सारे के सारे मेटल। अच्छा याद रख लें, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट सॉलिड हैं, एफ के भी सारे सॉलिड हैं, ठीक है जी, डी के भी सारे सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के जो लिक्विड है। समझ में आ रही है बात? पी में टोटल 30 एलिमेंट हैं, 9 गैसेस, 1 ब्रोमीन लिक्विड, कितने हो गए 10, बाकी 20 मेरे बच्चों सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब अगली बात के उसके बाद देखें, हम सिर्फ एस की बात अभी कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड, ये मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं। आर सॉलिड, सारे एलिमेंट सॉलिड हैं और सारे एलिमेंट क्या हैं मेरे बच्चों, मेटल्स हैं। सारे एलिमेंट मेटल हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको मेटालिक करेक्टर बता दूं तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल, डी के सारे मेटल, एफ के सारे मेटल, ठीक है जी। अब जो नॉन मेटल और मेटलाइड आते हैं वो पी में आते हैं। पी में टोटल है 30 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं 30, 7 मेटल, 7 मेटल, 7 मेटलाइड। मेटलाइड वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ करेक्टर मेटल वाले होते हैं, कुछ नॉन मेटल वाले होते हैं। क्या मतलब, हम कहते हैं ना तो मुकम्मल मेटल है ना मुकम्मल नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वाले, सुन रहे हैं ना बात? अच्छा तो बच्चों 7 मेटल 7 मेटलाइड, कितने हो गए 14, टोटल है 30, पीछे रह गए 16, तो 16 क्या है नॉन मेटल, ये पी में सिर्फ नॉन मेटल है, बाकी सब में क्या है मेटल है। तो ये बच्चों मैंने किसके करेक्टर लिख लिए, एस ब्लॉक के। अब हम लोग पढ़ते हैं पी ब्लॉक, कौन सा पी ब्लॉक,
मैं यहां पर लिख रहा हूं पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ भाई बच्चों, पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ये देखो, ये 1A और 2A, ये एस ब्लॉक था। यहां से 3A के सारे एलिमेंट, 4A के सारे एलिमेंट, 5A के सारे एलिमेंट, 6A के सारे एलिमेंट, 7A के सारे एलिमेंट और 8A के सारे एलिमेंट, ये मेरे बच्चों हैं कौन सी चीज? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 8A आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फ्रॉम ns1 np1 टू ns2 np6 तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाती है। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों, इसमें टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, 9 गैसेस हैं। कौन कौन सी 9 गैसेस हैं? मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये कितने हो गए? 9। 1, 2, 3, 4, 5 ये नोबल गैसेस हैं, 5। ये 2 हैलोजन हैं, 6, 7, 8 और 9 ये गैसेस हो गए, 9 गैसेस। ये बच्चों जो ब्रोमीन है पी ब्लॉक में आती है, लेकिन ये लिक्विड है। टोटल 30 हैं, यहां से ये अगर काउंट करना चाहेंगे तो टोटल 30 होंगे। समझ में आ रही है बात? 30 में से 9 गैसेस, 1 लिक्विड, पीछे कितने रह गए बच्चों? पीछे रह गए 20, तो वो 20 क्या है? सॉलिड है। ठीक है, फिर जरा देखें, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक और मेरे बच्चों एंटीमनी और बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पोलोनियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसके एलिमेंट हैं। अब जरा देखें, मैं कुछ एलिमेंट के नीचे लाइनें लगाऊंगा। ठीक है, तो आप जरा देखें कौन सा? बोरोन। ठीक है जी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम और सैनिक, फिर ये मेरे बच्चों जरा देखें, और ये पोलोनियम, जिनके नीचे मैंने निशान लगा दिए, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ये मेटलाइड है, बिस्मिथ, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, स्टेबियम जिसे हम लोग कहते हैं एंटीमनी, टेलीरियम और पोलोनियम, ये क्या है? मेटलाइड। आईफोन है बड़े, अच्छा पोलोनियम, अच्छा ये बच्चों मेटलाइड है। अब हर मेटलाइड से जो पहले एलिमेंट है उसी पीरियड में वो मेटल और उसके बाद वाले नॉन मेटल। तो इसमें जरा देखें, एल्युमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल है, इंडियम, टिन मेटल है,
थैलियम और लेड और बिस्मिथ ये मेटल है, और ये बाकी सारे नॉन मेटल हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, और सॉरी यहाँ आयोडीन आता है और यहाँ एस्टाटीन आता है। हाँ भाई, तो ये सारे के सारे बच्चों कौन सी चीज है, यानी ये नॉन मेटल है। समझ में आ रही है बात? तो अब बात ये है कि हम लोग क्या लिखेंगे, जरा बताएं कि इसके करेक्टर क्या लिखेंगे। पहला करेक्टर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A to 8A, टोटल कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 30 एलिमेंट। दूसरा करेक्टर क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इज फ्रॉम NS1, सॉरी NS2, NP1 टू NS2, NP6। और उसके बाद मेरे बच्चों जरा देखें आगे क्या लिखेंगे, 9 गैसेस, 9 एलिमेंट्स गैसेस, और अगर आप उनके नाम याद रख सकते हैं तो वो लिख रहे तो और अच्छी बात है। मैं लिख रहा हूं कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडॉन। ठीक है जी, आगे क्या लिखेंगे, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन इज लिक्विड लिखें, इज लिक्विड एंड अदर 20 एलिमेंट्स। और सॉलिड्स। अच्छा अब बात ये है के बोर्ड पे और जगह भी नहीं, और एक करेक्टर रह गया है, मेटेलिक करेक्टर जो बताना है कि इनमें से कौन से मेटल हैं, कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलाइड हैं। तो क्या लिखेंगे, 7 एलिमेंट्स आर मेटल, 7 मेटलाइड एंड 16 नॉन मेटल। यहां मैं लिख दूं, ये जगह नजर आ रही है, जरा जरा देखें तो क्या लिखेंगे, जरा देखें, 7 एलिमेंट्स, आर मेटल, 7 मेटलाइट, 16 क्या लिखेंगे, नॉन मैंने लिख दिया, आगे मेटल आप लोग खुद लिख दें, क्या ख्याल है? तो ये कौन सा हो गया मेरे बच्चों, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है समझने में तो वो प्लीज हैंड रेज करके बताए उसका, ताकि मसला हल कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 2 ब्लॉक और हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा एक और बात कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों को नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, इन दोनों को टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा पी ब्लॉक के अंदर ये 6 ग्रुप आते हैं, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। 8A के जो एलिमेंट हैं, जो नोबल गैसेस हैं, जो रिएक्ट नहीं करती,
बच्चों उनको कहते हैं पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट। इनएक्टिव क्या मतलब? जो रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। कोई भी एलिमेंट रिएक्ट इस वजह से करता है, एटम इस वजह से करता है, तो उसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है। तो इनके चूंकि वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, इनको पी ब्लॉक इनएक्टिव भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप पी ब्लॉक इनएक्टिव कहलाता है? 8A, या जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस। और 3A से लेकर 7A जो एलिमेंट है उनको पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। समझ में आई है बात? अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को सर किसी ने हैंड रेस किया, क्या वजह है? ये कहीं ऐसा तो नहीं होता बच्चों के आप लोग जो है ना वो अपने फोन पे क्लास ऑन करके फिर आपने बाकी कामों में शुरू हो जाते हैं, दूसरा तीसरा दिन जो है ना वो खफा खफा नाराज नाराज से रह रहे हैं, कोई बात बात नहीं करते? खैरियत तो है, चलें, अच्छी बात है अगर सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसको मिटा दूं बेटा, मिटा दूं, ये लिखेंगे बेटा, ये मिटा दूं। अगर जो बच्चे कहते हैं कि मिटाना है तो वो प्लीज थंब रिएक्ट कर दें। सब कह रहे हैं मिटा दूं, हैं? कुछ बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा, जो लिख रहे हैं बच्चों जल्दी करें, 2-3 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करें, फिर मैं अपने बच्चों को आगे समझाता हूं। हाँ, तो फिर यहीं से ले लेंगे। अच्छा बेटा, आपको हमने स्क्रीनशॉट भेज दिया सब बच्चों को, ठीक है? अब मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग काम ये करते हैं कि आगे चलते हैं कौन सा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के करेक्टर को स्टडी करते हैं। अब देखो ना, पढ़ाई कितनी आसान हो गई है। अब पहले आप लोगों को यहाँ पर कम से कम बैठना पड़ता था, अगर इधर उधर देख रहे होते, छत को देख रहे होते। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अब वो यहाँ पर क्लास में छत को भी नहीं देख सकते होंगे। तो मैं सर को बोलूंगा कि एक दफा छत वगैरह दिखा दिया करें, कोने वोने छत के सारे जो है ना। और तो क्या होता था, टीचर डांट देता था अगर तवज्जो नहीं होती थी तो। अब तो क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे, तो क्या होगा, कोई सोफे पर लेट कर पढ़ रहा होगा, कोई बेड पर लेट कर पढ़ रहा होगा, और हो सकता है कुछ तो पढ़ भी रहा और आगे से खड़े खड़े डांस भी कर रहा हो। ठीक, तो हाँ अच्छा, और जो है ना वो, अब बच्चों बात ये है कि हम लोगों ने पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले कौन से हैं ये जरा देख रहे हैं? 3A, 3B, सॉरी 4B, ये 4 लिखो और ये B है, 5B, 6B, 7B, ये जो 8B हैं, और 1B और 2B। ठीक है, ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के कहलाते हैं। ये डी ब्लॉक की सीरीज हैं, ये जो सीरीज है ना ये एक सीरीज है। हाँ, जहां स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, तो ये 10 एलिमेंट यहां पर पहली सीरीज में आ जाते हैं। यहां पर 10 एलिमेंट दूसरी सीरीज में, 10 एलिमेंट तीसरी सीरीज में, ये जो तीसरी सीरीज है इसके अंदर भी मेरे बच्चों 10 एलिमेंट है।
और ये जो चौथी सीरीज है ना, नजर आ रही है कौन से पीरियड में, ये पीरियड है सेवेंथ पीरियड में, तो ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें चार या पांच एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, बाकी डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, अच्छा तो बात ये है कि ये क्या लिखेंगे, एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3B टू 2B, या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1B टू 8B, 1B से स्टार्ट करेंगे और 8B तक जितने भी होंगे वो मेरे बच्चों क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब बात यह है कि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या होती है, ns2n-1d1 to ns2n-1d10। अच्छा, उसके बाद आगे इनका है कि स्टेट, तो मेरे बच्चों एक एलिमेंट यहां पर आ जाता है मरकरी, मरकरी जहां जिंक आता है, कैडमियम और मरकरी, ये जो मरकरी है ये लिक्विड है, बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड हैं, मरकरी के अलावा सारे एलिमेंट सॉलिड हैं, और मेरे बच्चों सारे एलिमेंट मेटल हैं, सारे एलिमेंट मेटल है। अच्छा, इनके करेक्टर बाकियों से थोड़ा सा हट के हैं, मुख्तलिफ हैं, ये वो वाहिद एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड कलरलेस होते हैं, पी वालों के कलरलेस होते हैं, और डी वालों के जो होते हैं वो मेरे बच्चों क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। बरकफ ये करेक्टर तो अब यहां पर आप लोगों ने नहीं पढ़ना, अब मैं यहां पर मेरे बच्चों लिख रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां लिखूंगा डी पहला करैक्टर क्या लिखूंगा, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1B टू 8B, 1B से 8B तक जो एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने लिखा है। अच्छा, आप लोगों ने प्लीज इस तरह नहीं लिखना, अभी भले यहां इस तरह लिख लें लेकिन पेपर में या कहीं और जगह पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं लिखना, ये कोई एब्रीविएशन नहीं है, ये सिर्फ यहां पर मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रॉम, बच्चों कहां से कहां है, ns2 n-1 d1 टू ns2 n-1 d10। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्री कंप्लीट सीरीज ईच ऑफ 10 एलिमेंट्स, ठीक है जी, थ्री कंप्लीट सीरीज ईच ऑफ 10 एलिमेंट्स देखो ना बेटा, ये पहली सीरीज है 10 एलिमेंट की, ये दूसरी सीरीज 10 एलिमेंट की, ये तीसरी 10 एलिमेंट,
हम कहते हैं कि ये कंप्लीट सीरीज है और ये चौथी सीरीज इनकम्प्लीट है, व्हाइल फोर्थ सीरीज इज इनकम्प्लीट। फिर क्या लिखेंगे आगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे मेरे बच्चों कि मर्करी इज लिक्विड एंड ऑल अदर आर सॉलिड। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें एक पांचवा पॉइंट भी है, वो ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। सारे एलिमेंट मेटल हैं, ये तो कौन से हो गए, डी ब्लॉक। अच्छा एक और बात कि ये जहां पर मैंने लिखा ना एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1B टू 8B, आगे लिखेंगे आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक ये बात भी लिख दें तो अच्छा है, नहीं लिखे तब भी ठीक है लेकिन लिख दें तो और ज्यादा बेहतर है। या यहाँ पर जो हेडिंग लिखी डी ब्लॉक एलिमेंट, आगे ब्रैकेट में ये लिख दें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां लिख दें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप एलिमेंट्स खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हमारे पास कौन सा रह गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो करते हैं 4 मिनट को, या फिर मैं इनको पहले समझा देता हूं। हाँ भाई अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों बात ये है कि ये जो नीचे दो सीरीज है ना 14 एलिमेंट की, एक के अंदर 14 एक के अंदर 14, टोटल हो गया 28 एलिमेंट, ये कहलाते हैं मेरे बच्चों एफ ब्लॉक। क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक। दो सीरीज हैं, पहली सीरीज को कहते हैं लेंथनाइट, दूसरी को कहते हैं एक्टिनाइट। वजह क्या है, वजह ये है कि ये जो है ना एलिमेंट स्कैडियम, ये येट्रियम, ये है लेंथनम और ये है एक्टिनम। बच्चों असल में ये जो एलिमेंट है जो यहां से स्टार्ट रहे हैं, इनकी पोजीशन यहां पर है, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को यहां से काट दें तो उसके बाद यहां इसके आगे ये लगाना है और फिर ये उसके बाद आएगा, तो फिर ये पीरियोडिक टेबल काफी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पेज पर ना आने की वजह से ये फिर हम लोग नीचे अलग से बनाते हैं। तो इसका जो एलिमेंट है ना, यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है वो इसके बाद से यहां से स्टार्ट रहा है लेंथनम के बाद से, इस वजह से इनको कहते हैं लेंथनाइट। और ये कहां से स्टार्ट रहा है, एक्टिनियम के बाद, इनको कहते हैं एक्टिनाइट। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब कुल कितने एलिमेंट हो गए, 28। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे बच्चों क्या है, NS2 N-1 D1 N-2 F1 2 NS2 N-1 D1 N-F14। सारे एलिमेंट मेरे बच्चों क्या हैं, सारे के सारे मेटल हैं, सारे के सारे सॉलिड हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहला क्या लिखेंगे, टू सीरीज ईच ऑफ 14 एलिमेंट्स, फर्स्ट सीरीज
Asgard, Lanthanide, while second series is called actinides. आगे दूसरा करेक्टर लिखूंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रॉम, मेरे बच्चों क्या लिखूंगा, NS2 N-1 D1 N-2 F2 2 NS2 N-1 D1 N-2 F14 सॉरी F1 है यहाँ पर F14। अच्छा अब बच्चों आगे जो करेक्टर है वो आप लोगों ने लिखना है, ऑल मेटल या ऑल सॉलिड, और क्या लिखेंगे, ऑल मेटल्स। अच्छा अब बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हो गए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है जो डिटेल से मैंने आपको समझानी है, चार तरीकों से वो पूछी जाती है, और सर इसको स्क्रीनशॉट लेकर सब बच्चों को भेज दिया। अच्छा बच्चों कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक आध मिनट रहता है।